बुलावा नहीं है ना तो भाग जाएंगे, चाहे पुलिस मार के क्यों ना मंगवा दे हम लोग के यहाँ। पहले तो ये बताइए कि आपको अलाउ किसने किया, अलाउ नहीं है। गोपालगंज जिले के मीरगंज के एक क्वारंटीन सेंटर पर मैं पहुंचा हूं। देखिए, इस्लामिया उर्दू एकेडमी है इस स्कूल का नाम, और यहां पर 55 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। हम जायजा लेंगे कि क्या व्यवस्था है, क्या यहां रहने वाले लोगों का सोशल कंपोजिशन क्या है, कहां से आए हैं, क्या करते हैं, क्या उनको परेशानी हुई, और क्वारंटीन के दौरान उनको क्या सुविधाएँ मिल रही हैं। तो हम विस्तार से दिखाएँगे, यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। तो देखिए, यही है इस्लामिया उर्दू एकेडमी जो गोपालगंज ज़िले के मीरगंज में है, और हम चल कर के अंदर दिखाएंगे कि क्या है यहाँ की स्थिति, कैसे 55 लोगों को रखा गया है। तो अब देखिए तस्वीर, ये है गोपालगंज ज़िले का मीरगंज का क्वारंटीन सेंटर इस्लामिया उर्दू एकेडमी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपदा राहत केंद्र क्वारंटाइन सेंटर लिखा हुआ है, 100 बेड का इस्लामिया उच्च विद्यालय मीरगंज में। 100 बेड की व्यवस्था का दावा करता हुआ ये पोस्टर बाहर लगा हुआ है, और ये है स्कूल की तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पुलिस वाले भी तैनात हैं, क्वारंटाइन सेंटर पर पुलिस वाले हैं। कब से चल रहा है? हम तो यहाँ 24 तारीख से ड्यूटी में हैं, इसके पहले से पता ना कि कब से। यहाँ जो लोग हैं कई जिलों के हैं, उनको क्यों नहीं ले जाया जा रहा? उनके जिला में खबर गया है, अब उनके जिला वाले प्रशासन नहीं आ रहा है, तो इसमें हम लोग को क्या, हम लोग को देखना, सुरक्षा, खाना खिलाना हम लोग की जिम्मेवारी है। अब वो लोग नहीं आ रहे हैं, इसका हमारा क्या जिम्मेवारी है? ये तो आपसे शिकायत करते होंगे, रोज झगड़ते होंगे, भाई क्यों नहीं हम, हमारा बस आ रहा है, क्यों उन्हें जिला भेजा जा रहा है? हम लोग अपने ऊपर अधिकारी को बताते हैं जैसा ऐसा प्रॉब्लम है, अब ऊपर अधिकारी क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या पता है, हम लोग कोई सूचना नहीं देते। नहीं लगता है इनकी मांग जायज है कि इनको इनके जिले में भेजना चाहिए? जायज तो है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। कई राज्यों से आए हैं, इनमें किसी को संक्रमण भी हो सकता है, अभी तक जांच नहीं हुई है। आप यहाँ ड्यूटी करते हैं, आपको डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन फिर भी हम अपना सुरक्षा बनाए रखते हैं, उन लोगों के पास नहीं जाते हैं, जो भी बात होता है दूर से सुनते हैं, उनके समस्या अपना समस्या बताते हैं। डॉक्टर आता है रोज? डॉक्टर तो आते हैं, डेली आते हैं, लेकिन चेकअप नहीं करते? चेकअप नहीं करते हैं, दवा जो खांसी सर्दी का जो भी है वो दवा दे के चले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब रोज आते हैं, एक राउंड लगाते हैं, और जिसको खांसी सर्दी है उसको खांसी सर्दी बुखार का दवा देकर चले जाते हैं। प्रॉपर जांच जो होनी चाहिए कोरोना की, वो जांच हो नहीं पा रही है। 12 दिनों से लोगों को यहाँ पर रखा गया है, तो जब उनकी जांच नहीं हो रही है, उनको उनके ज़िले में नहीं भेजा जा रहा है, तो यहाँ 12 दिनों तक रखने का कोई मतलब नहीं है, और इसको लेकर लोग नाराज़गी जता रहे हैं। लेकिन यहाँ खाने पीने रहने में कोई असुविधा नहीं दिख रही है, पीने के लिए बिस्लरी की बोतलें यहाँ पर रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, तो स्वच्छ पेयजल मिल रहा है, खाने के लिए सुबह शाम खाना मिल रहा है, सुबह शाम नाश्ता और बिस्किट भी मिल रहा है। तो चुनावी साल है, राज्य सरकार कोशिश करेगी कि कोई नाराज ना हो, और वो कोशिश दिख रही है क्वारंटाइन सेंटर पर, लेकिन जाँच को लेकर लोगों की शिकायतें हैं जो आपके सामने हमने रख दी है। जो बिस्लरी की बोतलें रखी हुई हैं, यानी पेयजल की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर, लोग कैसे रह रहे हैं उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, कैसे लोग रह रहे हैं। बेंच जो हैं बच्चों के पढ़ने वाले बेंच, उसी को उन्होंने अपना बेड बना लिया है, और बरामदे में आराम से वो यहाँ पर हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल यहाँ भी लोग नहीं रख रहे हैं, देखिए किस तरह से सट कर लोग खड़े हैं, एक दूसरे के कितने करीब हैं। हालाँकि सब ने मास्क पहन रखा है, लेकिन जो फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। कितने लोग हैं बातचीत करें तो पता चलेगा, और क्या इनकी शिकायतें हैं, क्या इनको परेशानी हो रही है, वो भी बातचीत करके हम जानने की कोशिश करेंगे। बुलावा नहीं है ना तो भाग जाएंगे, चाहे पुलिस मार के क्यों ना मंगवा दे हम लोग के यहाँ। तो भाग जाओगे? नहीं भाग जाएंगे सर, बीबी वहाँ बीमार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बका क्यों रहे हो? बका नहीं रहे सर, सही बात बता रहे हैं, 1.5 महीना हो गया सर घर में, एक पैसा भी नहीं कमाए हैं। तुमको बचाने के लिए ही रखा गया ना? तो सर हमको, अगर मैं बचूं और बीवी बच्चे ना रहे तो हमको जीने से फायदा क्या है? ऐसी हालत कितने लोगों की है इसमें, तुम ही अकेले बोल रहे हो, बाकी तो कोई नहीं सर, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना सर, घर में सिंगल हूं। तुम ही भाग जाओगे? नहीं नहीं, दूर 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 दूर। क्या सर इसके लिए कुछ निकाला जाए कि अब 14 दिन हम लोग को हो गया, फिर यहाँ से ले जाएगा जिले में, वहाँ 14 दिन रखेगा कि 21 दिन रखेगा,
तो ये दोनों जगह इतना रहेगा आदमी तो घर में सब लोग भूखे मरने लगेगा। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए। गोरखपुर से आए हैं, मोतिहारी जिला जाना है। तो यहाँ कब से हैं? हम लोग को हो गया 25 तारीख से हैं। कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ? जी खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हम लोग। क्या खाना में मिल रहा है? खाना में दाल चावल सुबह मिलता है, दाल चावल सब्जी मिलता है, शाम को पूरी सब्जी मिलता है। सुबह में दाल चावल सब्जी, शाम में पूरी दावल सब्जी। खाना बहुत बढ़िया है? खाना बढ़िया मिलता है, चाय बिस्कुट मिलता है सुबह में, दोपहर में, दोपहर के बाद में भी, शाम को टाइम में चाय बिस्कुट मिलता है। सुबह में सबसे पहले चाय बिस्कुट मिलता है, फिर इसके बाद चावल दाल सब्जी मिलता है खाने में, फिर शाम में चाय बिस्कुट मिलता है, और फिर शाम रात में मिलता है खाना पूरी सब्जी। जी तो कोई शिकायत? जी दूसरा कोई शिकायत नहीं है। हम लोगों को यही है कि अब 12 दिन हो गया है, हम लोग सोच रहे थे कि अपने यहाँ जाने के लिए, तो हम लोग को कोई अब यहाँ रह रहे थे, यहाँ से हम लोग कोई चीज़ ना जाँच उच हो ही नहीं रहा है, यहाँ जाँच नहीं हो रहा है, हम लोग कोई जाँच फाँच यहाँ नहीं होगा, हम लोग को अपने जिला में होगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोगों को यहाँ से हम लोग को अपने जिला में भेजवा दिया जाता, तो हम लोग को कोई वहाँ उपाय पत्र होता कोई। तो खाने पीने की इनकी कोई व्यवस्था नहीं है? सुबह में नाश्ता मिल रहा है, चाय बिस्किट मिल रहा है, फिर नाश्ता मिल रहा है, फिर खाना मिल रहा है, शाम में भी चाय बिस्किट की व्यवस्था है, रात में खाने की भी व्यवस्था है, लेकिन जांच नहीं हो रही है, ये इनकी शिकायत है। आप भी यहाँ क्वारंटीन में हैं? कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से क्या करते हैं? दिल्ली में जॉब करते हैं, एलकोएल का। यहाँ आपको लाया गया पकड़ के? नहीं, मैं खुद आया था घर, फिर पता चला तो मैं आ गया। यहाँ पर चेकअप कराने के लिए बुलाया गया था कि चेक होके आप घर जाएंगे। एक सप्ताह से ऊपर हो रहा है, ना कोई रिपोर्ट आई है ना कुछ हुआ है। कोई चेक करने नहीं आया? चेक तो हो गया है, रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। चेक कैसा चेक हुआ? एक कुछ किट था, वो नाक से और मुंह से करके चेक किया। कितना दिन पहले चेक हुआ? एक सप्ताह हो गया सर। रिपोर्ट नहीं आया? नहीं आया। तो एक सप्ताह पहले चेक हो गया, रिपोर्ट नहीं आया, उनका कहना है कि उनका चेक ही नहीं हुआ। चलिए और भी लोग हैं, किसी का नहीं हुआ? कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पर जितने लोग हैं किसी का नहीं हुआ रिपोर्ट चेक। ये जितने लोग हम लोग यहाँ, 4 लोग हैं, इन्हीं का चेक हुआ है। मास्क लगा के रखिए। देखिए तो यहाँ जो लोग हैं, 12 से 15 दिन इनको रखना है, 12 दिन तो हो गया है, लेकिन इनका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, और इनका कहना है कि जब जिला में जाएंगे तो वहाँ टेस्ट होगा, फिर वहाँ क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, तो मुश्किल इनकी बढ़ती जाएगी। कितना दिन से है यहाँ? 12 दिन से है सर। चेक हुआ? जी कुछ नहीं हुआ अभी। क्या शिकायत है आपने? शिकायत है कि हम लोग को बंगाल में देगा, ऐसे रहेगा। आप कहाँ से हो? बंगाल का है। बंगाल का है, कहाँ से आया? और इधर भोर से, गोपालगंज। अच्छा, यूपी में काम करता था। हाँ। कितना दिन से यहाँ है? इधर हो गया 2 महीना। इधर 12 दिन से। हाँ। कोई जाँच नहीं? कोई जाँच नहीं हुआ। खाने पीने की सुविधा है? दो टाइम देता है खाने पीने। खाना तो दो ही टाइम देगा ना? खाना ठीक है? खाना ठीक है। तो जांच नहीं हो रहा? जांच नहीं हो रहा। डॉक्टर नहीं आता? नहीं नहीं। हम लोगों के साथ में सर आया था कुछ आदमी, जो हम लोगों के साथ में आया था, हम लोगों के साथ, तो उसमें से करीब 100 लोगों को भेज दिया यहाँ से अपने अपने जिला। हम लोग यहाँ 9 आदमी है मोतिहारी का, जो हम लोगों को नहीं भेजा जा रहा। क्यों नहीं भेजा जा रहा? किस आधार पर? आपका टेस्ट हुआ होगा मेडिकल? नहीं यार, किसी का कोई टेस्ट नहीं हुआ। जितने भी आदमी हैं, केवल गोपालगंज वालों का टेस्ट हुआ है, बाकी कहीं के किसी आदमी का कोई टेस्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर कई जिलों के लोग हैं, बंगाल से हैं, झारखंड से हैं, यूपी से हैं, और यहाँ पर इनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। पिछले 12 दिनों से हैं, लेकिन अभी तक किसी का चेकअप नहीं हुआ है, और कुछ जो लोग हैं जिनका चेकअप हुआ है उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। और इनकी शिकायत ये है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो उनके साथ आए थे, उनको घर भेज दिया गया और इनको यहीं क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया है, जहां पर ना कोई जांच हो रही है, ना कोई पूछने वाला है। कोई अधिकारी आया? जोर से बोलो, कोई अधिकारी आया? हम लोगों को अगर कोई दिक्कत है, कोई बुखार या कोई समस्या है, तो बुखार का, खांसी का दवा यहाँ दे दिया जाता है। बाकी अगर हमें और कोई चीज़ की तकलीफ है तो उस चीज़ की हमें दवा नहीं। कितना लोगों को खांसी बुखार है? खांसी बुखार नहीं है किसी को। अगर भाई चांस किसी को खुजली, चाहे कोई भी समस्या अदर है, तो उसकी दवा की डॉक्टर है यहाँ? डॉक्टर आते हैं, लेकिन उनसे कहा जाता है दवा के लिए, वो नहीं। कितना दिन में आते हैं? वो रोज डेली आते हैं। मैं 3 दिन लगातार उनके पास गया, लेकिन उन्होंने मुझे कोई दवा नहीं दिया। दवा नहीं दिया? तो दवा नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। बुखार का और खांसी का
सर दर्द का इसका दवा मिलता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी और किसी चीज का दवा दवा कोई सिम्टम है क्या इस तरह का, कोई लक्षण है? तो ऐसे क्यों खड़े हो, सोशल डिस्टेंस का, फिजिकल डिस्टेंस का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? आपको नहीं लगता है कि खतरा यही है? जी जी नहीं, हम लोग दूरी बनाकर ही रहते हैं आपस में। कैरी जिले से हैं तो हम लोग सर 12 दिन यहाँ से रहकर जाएंगे तो फिर वहाँ रहेंगे, तो सर 21 दिन हम लोग यूपी में रहकर आए हैं, फिर यहाँ पे 12 दिन 14 दिन रहेंगे, फिर वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो सर मान लीजिए 14 दिन के बाद ये लोग हम लोग छोड़ रहे हैं, तो यहाँ से कुछ तो सबूत हम लोग को मिलना चाहिए कि हाँ हम लोग यहाँ कोरोना टाइम में रहकर आ रहे हैं। सर जांच ही नहीं हुआ तो कहाँ से सबूत? सर यहाँ पे कोई, यहाँ तो हम लोग पहले ही बोले थे कि जी स्क्रीनिंग हुआ, हम लोग जहाँ तक चले वहाँ से वो लोग मतलब सब कुछ करा के हम लोग को भेज दिया यहाँ तक, जो रूम में रहे। नहीं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मजदूर हैं कई राज्यों से आए हैं, इनका थर्मल स्क्रीनिंग तो हो चुका है लेकिन प्रॉपर जो जांच होनी चाहिए कोरोना की वो नहीं हुआ है। इनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है पिछले 12 दिनों से। इनकी शिकायत है कि कुछ लोगों का जांच हुआ है एक सप्ताह पहले लेकिन वो भी रिपोर्ट नहीं आई है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि उनकी कोई जाँच ही नहीं हुई है और 12 दिनों से यहाँ पड़े हुए हैं। उनको डर ये सता रहा है कि 20-25 दिन तो दूसरे राज्य में फंसे हुए थे, फिर यहाँ आए, यहाँ पर क्वारंटाइन रहेंगे ये 20 दिन तक, और फिर जब इनके ज़िले में भेजा जाएगा वहाँ पर भी उनको अगर रख दिया जाएगा क्वारंटाइन में तो उनका परिवार क्या खाएगा, इनको ये चिंता सता रही है। तो एक क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीर है, मैं दिखा रहा हूँ, इस्लामिया उर्दू एकेडमी है, ये गोपालगंज ज़िले के मीरगंज में है। और देखिए किस तरह से स्कूल के बरामदे को बेंच लगा कर लोगों ने अपने रहने और सोने की व्यवस्था की है। तो यहाँ पर खाने पीने की कोई परेशानी नहीं है, दिख रहा है व्यवस्था की, बिस्लेरी यहाँ पर रखा हुआ है, दो टाइम खाना भी मिल रहा है, दो टाइम नाश्ता चाय भी मिल रहा है, तो खाने पीने की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इनकी शिकायत यही है कि जो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है कि कोई जाँच ही नहीं। 5 मिनट रुके आ रहे हैं सिक्योरिटी साहब, चार्ज पालक पदाधिकारी बोले हैं कि अभी हम आ रहे हैं, बताएंगे आपको। आप बताइए ना क्या दिक्कत है? कहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जांच क्यों नहीं हो रही? जांच का सुविधा यहाँ पे नहीं है, वो नवोदय विद्यालय बलेश्वरा में है, जिनका लक्षण ऐसे लगता है कि इनको पॉजिटिव है उनको भेज दिया जाता है वहाँ जांच के लिए। इसमें सब लोग आपको नेगेटिव लग रहा है? हाँ सारे लोग नेगेटिव लग रहे हैं। सब क्यों रखे हैं इतना दिन से? बाहर से आए हैं तो कैसे छोड़ दिया जाए, सभी लोग बाहर से आए हैं। इनके जिले में भेजना चाहिए ना? जिले में भेजने का यहाँ से कोई सुविधा नहीं है, वहाँ जिला वालों को खबर कर दिया गया है, वहाँ से प्रशासन की गाड़ी और एक बस ले लेके लोग आ रहे हैं और अपने जिला के लोगों को लेके जा रहे हैं। इतने लोग हैं कई राज्यों से आए हैं, आप लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं, डर नहीं लगता है कि संक्रमण हो जाएगा? नहीं तो हम लोग अपना सही बोली सुरक्षित रहते हैं, अलग रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। ये कहाँ पालन हो रहा है? ये तो आप ही भीड़ इकट्ठा कराए हैं ना, आप सबको बुलाए हैं अभी ना हमारे पास, अभी तो आप ही वहाँ सबको, अरे तो आप ही ना सबको बुलाए हैं, मैं तो अभी आ रहे हैं आप वहाँ से, हम वहाँ हैं, हम तो आपके साथ हैं, अभी हमारे साथ हैं, अभी आप इसके पहले कहाँ थे? अभी क्यों है वहाँ? अभी आप बुलाए थे सबको इसीलिए खड़े हैं। किसको बुलाया है? देखिए हम तो पूरा रिकॉर्ड है मेरा, आप बात नहीं किए वहाँ, एक एक मिनट की तस्वीर रिकॉर्ड है मेरा कि हमने बुलाया है कि नहीं बुलाया, ध्यान क्यों नहीं रख रहे सोशल डिस्टेंस? तो देखिए जो सोशल डिस्टेंस यानी फिजिकल डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए उसका यहाँ बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। जो कर्मचारी हैं किस तरह से चढ़ रहे हैं मेरे ही ऊपर, तो यहाँ जो लोग 12 दिन से रखे गए हैं जिनका चेकअप नहीं हुआ है वो अकबका गए हैं, आप समझ रहे हैं ना, अकबका गए हैं, घर जाने को बेताब हैं, बेचैन हैं, और उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है कि वो घर कब जाएंगे, उनकी जाँच कब होगी, जाँच रिपोर्ट आएगी कब, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये है इस्लामिया उर्दू एकेडमी जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर 44 अभी लोग रह रहे हैं। तो जो लोग शिकायत कर रहे थे कि उनका 12 दिनों से जांच नहीं हुआ है, कुछ लोगों की शिकायत थी कि जांच हो गई है एक सप्ताह पहले लेकिन टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है, अब आ गए हैं करपालक पदाधिकारी, इनसे बात करेंगे। यहाँ लोगों की शिकायत है कि जांच नहीं हुई है 12 दिन से यहाँ पर? नहीं नहीं, मेरा डॉक्टर की टीम यहाँ पे है, आप देख सकते हैं इनको जो भी है। एक मिनट सर का कॉल आ रहा है, एक मिनट की। क्यों जांच नहीं हो रही है, इनकी शिकायत है कि 12 दिन से है कोई जांच नहीं हो रही। जांच तो हुई है। झूठ बोल रहे हैं सारे लोग? नहीं ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं। जिनकी जांच हुई है उनकी रिपोर्ट नहीं आया एक सप्ताह से? उसका रिपोर्ट तो आया है लेकिन क्यों नहीं बताया? नेगेटिव है। अच्छा जी,
सबका रिपोर्ट निगेटिव है। तो इनको घर क्यों नहीं भेजा? 124 लोगों का रिपोर्ट आया है जिसका निगेटिव है। अब इसके लिए प्रशासन यहाँ जो लोग हैं डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जांच ही नहीं हुई है उनकी। जांच ही नहीं हुई है? बिल्कुल। तो कितने लोगों की जांच नहीं हुई है? सारे सामने जो खड़े लोग हैं बोल रहे हैं। आइए आप दिखा देते हैं। आइए बोलिए, आपकी जांच हुई है? जांच हुआ, एक हफ्ता हो गया अभी रिपोर्ट। एक सप्ताह पहले हुआ? एक हफ्ता पहले हुआ था। रिपोर्ट नहीं आया? अभी रिपोर्ट नहीं आया। एक सप्ताह पहले जांच। मैटर ऐसा हम बता रहे हैं कि जो सिम्टोमेटिक होगा लगता है उसी का जांच होगा, जिसको कोई लक्ष्य। जांच हुआ एक सप्ताह में, रिपोर्ट क्यों नहीं आया? रिपोर्ट आ गया है। कहां? इनको क्यों नहीं पता? रिपोर्ट आ गया तो मिला नहीं हम लोगों को। नहीं मिला हम लोगों को। सर हम बात किए वीडियो साहब से, वो बोल रहे हैं अभी तक रिपोर्ट आपका नहीं आया, आप लोगों का नहीं आया हुआ है। एक हफ्ता से ऊपर होने वाला है आज। रास्ता छोड़िए, क्या डॉक्टर साहब आ गए हैं? जाँच हुई है आप लोगों की? जाँच हुई है? सब लोग कह रहे हैं जांच नहीं हुई है। डॉक्टर साहब इधर आइए। इतने लोग बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके जांच नहीं हुई, आप कह रहे हैं सबकी जांच हुई? लोगों का जांच हुआ है, तीन आदमी का। जिसको तीन आदमी का ही क्यों जांच हुआ? सिम्टम मिला था उनको जी, जिसको कुछ सिम्टम्स है, सिम्टोमेटिक है, उसी का जांच हुआ हो, बाकी किसी में नहीं है ना। इनको जिला में क्यों नहीं भेजा जा रहा है? अब तो इसके संबंध में उस सर बताएंगे। सर बताएंगे जी। चलिए सर को पकड़ते हैं। तो ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि एक मिनट रुकिए। कहाँ? पहले तो ये बताइए कि आपको अलाउ किसने किया? अलाउ नहीं है, किसने रोका ही नहीं। नहीं नहीं अलाउ नहीं है। पहले आप आइए, बाहर आइए, आप आइए बाहर आइए। अलाउ किसने किया आपने? आपको वहाँ रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं तो है ना, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। क्या शिकायत है आपका, बताइए। शिकायत मेरी नहीं है डॉक्टर साहब, आप जरा सुनिए ध्यान से, गुस्सा मत करिए। शिकायत यह है कि 12 दिनों से हैं, इनकी जांच नहीं हुई है। अच्छा। और जो जिला इनका है वहाँ भेजा नहीं जा रहा। आप पता कर लीजिए इनमें से कि ये वेस्ट बंगाल से हैं, 18 लोग वेस्ट बंगाल से हैं, 6 लोग झारखंड से हैं, 1 लोग यूपी से हैं, ठीक है ना, 2 लोग सीतामढ़ी से हैं, 9 लोग मोतिहारी से हैं, 1 लोग जमुई से हैं, ठीक है ना। आप पता कीजिए कि यहाँ पे पहले जो है कि 147 लोग थे, तो जिला प्रशासन को जो है कि इनके जिला प्रशासन को सूचना भेज दी गई है, वहाँ से जिन लोगों ने भेजा है, वहाँ से अपने बस को भेजा था, उन लोगों को भेज दिया गया है। जिला प्रशासन जहाँ सूचना भेजा उसने कार्रवाई नहीं की, बुलाया नहीं। अब जो भी है आगे का वो बताएंगे इसमें है, क्योंकि इंटर स्टेट का मामला आ रहा है, 25 लोग इसमें जो है आपका इंटर स्टेट के, तो वहाँ पे भी हुई है, तो स्टेट टू स्टेट ये बातचीत चल रही है। आपको लगता है कि प्रॉब्लम है कि इंटर स्टेट जो समस्या आ रही है? मैं नहीं कह सकता कि प्रॉब्लम है या नहीं, वो हायर लेवल की बात है, ठीक है ना। इसमें जो भी हमको दिशा निर्देश है, डॉक्टर यहाँ पे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जांच के लिए उनको है, डॉक्टर साहब बताते हैं कि सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है, जिसको सिम्टोमेटिक होगा तो उसकी जांच कराया जा रहा है। आप पता कर सकते हैं कि इसमें से तीन जांच हुई है 1 सप्ताह पहले, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट आ रही है तो वो पटना से आती है ना रिपोर्ट, डॉक्टर हम तो नहीं है। कितना दिन लग जाता है ये तो हमको भी नहीं पता, कितना देर हो सकता है कि किसी दिन 3 दिन में भी आ जाती है रिपोर्ट, कोई 5 दिन में आती है और कोई 7 दिन में भी लग जाती है रिपोर्ट। तो आपने सुन लिया सच्चाई, इन्होंने बता दिया। दूसरी बात यह है कि इनसे पूछा जाए और लोगों से पूछा जाए कि और क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है इनको, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं है, रहने की कोई दिक्कत नहीं है, तो हम दिखाएंगे भी नहीं कि दिक्कत है। दिक्कत कोई है ही नहीं इस मामले में। दिक्कत केवल यही है इनकी कि जांच नहीं हो रही है। जांच हुई तो रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट आ रहा है उसको, देखिए रिपोर्ट आने में वहाँ से टाइम लगता है, कभी समय से लगता है। डॉक्टर मेरे यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल है, जिसको भी कभी भी इनको पेट दर्द की शिकायत होती है, पेट दर्द की शिकायत थी ना कल को, डॉक्टर आए थे या नहीं आए थे? आए थे, देख के गए थे। आपको खुजली की शिकायत होती है तो दवाई दी जाती है नहीं दी जाती है? दवाई दी गई है आपको, ठीक है ना। एक लोग हैं कि जिनको डायबिटीज है, उनको स्पेशल दवा मंगा के दी गई है, यहाँ नहीं मिला, पटना से उनको दवा मंगा के दी गई है यहाँ पे। कितनी बड़ी चुनौती है क्वारंटाइन सेंटर में मेंटेन करना, लोगों का ख्याल रखना? नहीं नहीं, मेंटेन करना जो है कि एक चुनौती है, क्योंकि सबके बीच में गैप बना के रखना। आप बार बार कहते हैं कि दो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इनको बार बार कहना पड़ता है, ठीक है ना, एक चुनौती है। हमको जो है कि लड़ना है, इस चीज़ से लड़ना है, आप सभी का सहयोग से लड़ना है हमको, क्योंकि ये लोग भी हैं तो इनके सहयोग से। हम जानते हैं कि ये दिक्कत होती है कि घर से बाहर रह रहे हैं, तो उसी की पूरी व्यवस्था की गई है। सबको जो है कि जितना भी सरकार का जो दिशा निर्देश था, सबको अलग से जो है एक थाली कटोरी गमछा लुंगी साबुन सब अलग से सब दिया गया है इनको, सारा पानी का भी व्यवस्था जो है कि मिनरल वाटर इनको पिलाया जाता है, ऐसा वो। तो आप लोग अकबकाइए मत, कट जाएगा ये दिन क्या, ठीक है ना।
और सोशल फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करिए। कितने लोग ऐसे थे कि जो चले गए हैं, गए हैं नहीं गए? हम ही आपका 2 बजे रात को आपका नाम लिखे थे, नहीं लिखे थे? 2 बजे सरकार का निर्देश आया था कि इनका नाम लिख के भेजिए, इनको 2-2 बजे उठा के इनको नाम लिखा गया इन लोगों का, तो भेजा गया आगे की कार्रवाई? प्रशासन की मुश्किल ये है कि इन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन जिन जिलों से बिलोंग करते हैं वहाँ के जिला प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है, वहाँ से बसें नहीं आ रही हैं इनको अपने जिला ले जाने के लिए, और ये चुनौती बने हुए हैं यहाँ के अधिकारियों के लिए भी। तो ये थी रियल तस्वीर क्वारंटाइन सेंटर की, जो आपको जनतंत्र टीवी दिखा रहा। तो क्वारंटाइन सेंटर में कैसे रहने की व्यवस्था की गई है मैं दिखा रहा हूं आपको। ये क्वारंटाइन सेंटर है जहां पर स्कूल को ही क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई रहने की। तो आप ज़मीन पर ही लोग सो रहे हैं, यहीं पर इनको क्वारंटाइन किया गया है। एक एक, एक बेड है, इतना दूरी में कितना लोग? ये 30 फीट होगा, 30 फीट में 6 लोग, यानी 5 फीट पर एक आदमी। तो मेंटेन करते हैं दूरी। चलिए, तो ये तस्वीर है क्वारंटाइन सेंटर का, और आप इधर देखिए, ये रूम नंबर 4, यानी स्कूल का ये रूम नंबर 4 है जहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है। ये लोगों का भीड़ अलग अलग लगा है, ये सोए हुए हैं और 14 दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। समय काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए, लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात है कि सोने की अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की कोई परेशानी नहीं है। केवल एक ही शिकायत है कि इलाज टेस्ट इनका नहीं हो रहा है, इनको घर नहीं भेजा जा रहा है, ये शिकायत है, लेकिन बाकी व्यवस्था यहाँ की दुरुस्त है। तो ये है गोपालगंज के मीरगंज का क्वारंटाइन सेंटर, जिसकी तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। ये इस्लामिया उर्दू एकेडमी है, इसी को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर 150 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, जिसमें से बाकी 100 लोग जा चुके हैं, अभी भी 44 लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। और कारण ये है कि ये कई जिलों से आए हुए हैं, दूसरे राज्यों से भी हैं, और यहाँ के जिला प्रशासन ने दूसरे जिलों के जिला प्रशासन को खबर कर दी है, दूसरे राज्यों को खबर कर दी है, लेकिन उन राज्यों से कोई आया नहीं इनको ले जाने के लिए। दूसरे जिलों के जो लोग हैं उन जिलों से कोई लेने नहीं आया इनको, इसलिए यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनका क्वारंटाइन 14 दिनों का पूरा हो चुका है, वो घर भेजे जा सकते हैं, लेकिन भेजे नहीं जा सके हैं क्योंकि वहाँ उनके जिलों के स्थानीय प्रशासन ने कोई रुचि नहीं दिखाई है। तो ये बड़े संकट में हैं और गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद फिर से उनको दोबारा क्वारंटाइन में न रखा जाए, क्योंकि उनका परिवार भूखा है, उनकी पत्नी बीमार है, बच्चे बिलख रहे हैं, तो सबको जल्दी है परिवार के पास पहुँचने की। तो इनको एक ही डर सता रहा है कि बार बार इनको क्वारंटाइन न कर दिया जाए, क्योंकि 14 दिनों का क्वारंटाइन तो इन्होंने काट लिया है, अब बेसब्री से इंतज़ार है घर जाने का, और घर जाने की कोई व्यवस्था भी फिलहाल दिख नहीं रही है। लेकिन जहाँ पर लाखों लाख की तादाद में मजदूर आ चुके हैं बिहार में, और सबको क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया है, अगर इतनी सुविधा भी मिल रही है तो बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बढ़िया स्थिति राज्य के सभी क्वारंटाइन सेंटर की होगी, लेकिन इनकी शिकायत भी जायज़ है कि इनकी प्रॉपर जांच नहीं हो रही है, इनको घर भेजने की व्यवस्था नहीं की जा रही है।